गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्वालेश्वर यादव, योर कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग चैप्टर टू, जिसका टाइटल है मोर ऑन एमएस वर्ड 2013 पढ़ेंगे। एमएस वर्ड 2013 इज़ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, जिस पर हम लेटर्स, एप्लीकेशन, अपना इसको रिटन वे में लिख सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। ये एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। वी हैव ऑलरेडी लर्न सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2013। लास्ट ईयर क्लास में आपने इसके कुछ फीचर्स को पढ़ा होगा। लेट्स लर्न अबाउट पेज लेआउट टैब। आज हम लोग पेज लेआउट टैब की चर्चा करेंगे। पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब डिस्क्राइब हाउ ईच पेज इज़ योर आवर डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। पेज लेआउट टैब डिस्क्राइब करता है कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई पड़ेगा, यानी कि प्रिंट होने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ सही है या नहीं। इन वर्ड 2013 पेज लेआउट इंक्लूड्स एलिमेंट सच एज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम एंड होस्ट ऑफ अदर कंसिडरेशन। वी कैन यूज़ दीज टूल्स टू डिज़ाइन अवर पेज। इस पेज लेआउट के अंदर हम पेज के साइज़ को, कॉलम को, उसकी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अपने पेज को और अच्छा दिखाने के लिए हम इन टूल्स का यूज़ करेंगे। मार्जिन्स। दिस ऑप्शन प्रोवाइड अस टू मार्जिन साइज फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन हमको अपने पेज में मार्जिन देने के लिए ये सुविधा प्रदान करता है। इफ़ वी क्लिक ऑन मार्जिन ऑप्शन अ सब मेनू विल अपेयर। अगर हम मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक सब मेनू खुल करके सामने आता है। दिस सब मेनू कंटेन्स ऑप्शन लाइक नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मायरोड एंड कस्टम मार्जिन सब ऑप्शन। इसके अंदर हमको नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड इस तरह के सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। कस्टम मार्जिन। इफ़ वी क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन ऑप्शन अ सब मेनू विल अपेयर। अगर हम इसमें से कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक सब मेनू खुल करके आता है। दिस मेनू कंटेन्स द ऑप्शन लाइक मार्जिन्स, पेपर एंड लेआउट। मार्जिन्स। This tab menu contains the option for height and width of the page. ये ऑप्शन हमको पेज की हाइट, लंबाई और चौड़ाई को सेट करने में ये यूज़ होता है। ओरिएंटेशन ऑफ द पेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ टाइप ऑफ पेज। नॉर्मल विनर मार्जिन्स टू पेज पर शीट अ बुक फोल्ड प्रीव्यू ऑफ द पेज एक्सेट्रा। मार्जिन के थ्रू हम अपने पेपर की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। प्रिंट होने के बाद हमारा पेपर कैसा दिखाई पड़ेगा ये हम पहले से ही इस ऑप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। दिस मेनू गिव्स अवर पेज अ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यू। ये ऑप्शन हमारे पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यू के रूप में पहले से दिखाता है। पोर्ट्रेट व्यू क्या है? पोर्ट्रेट व्यू, दिस ऑप्शन शोज अवर पेज इन पोर्ट्रेट व्यू। ये ऑप्शन हमारे पेज को पोर्ट्रेट व्यू में दिखाता है। लैंडस्केप, दिस ऑप्शन शोज अवर पेज इन लैंडस्केप व्यू। ये ऑप्शन हमारे पेज को लैंडस्केप व्यू में शो करता है। साइज। This option enable us to choose a paper size for our document।
ये ऑप्शन हमको पेपर का साइज़ चूज़ करने में हेल्प करता है. इफ़ वी क्लिक ऑन साइज ऑप्शन अ सब मीनू विल अपीयर विच विल कंटेन द ऑप्शन लाइक लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4 एंड सो ऑन. हम इनमें से किसी भी साइज़ को चुन सकते हैं, जैसे कि लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4 साइज़ वगैरह. इनमें से किसी एक को हम चूज़ कर सकते हैं. मोर पेपर साइज़, इसके बाद भी कुछ पेपर साइज़ होते हैं. इन द एंड ऑफ द साइज ऑप्शन, साइज ऑप्शन के एंड में वी विल सी एन ऑप्शन मोर पेपर साइज़. हम वहाँ पर एक ऑप्शन देखते हैं जिसका नाम है मोर पेपर साइज़. ऑन क्लिकिंग दिस ऑप्शन अ सब मीनू विल अपीयर कंटेन्स अ ऑप्शन लाइक मार्जिन, पेपर एंड लेआउट. हम एक जब क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो हमको एक सब मार्जिन खुल के सामने आता है, जो कि उसमें क्या क्या होता है, मार्जिन्स, पेपर एंड लेआउट. नेक्स्ट है कॉलम. दिस ऑप्शन स्प्लिट आवर टेक्स्ट इनटू टू और मोर कॉलम्स. ये हमारे टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड करता है, मोर कॉलम्स. इफ़ वी क्लिक ऑन मोर कॉलम्स ऑप्शन अ सब मेनू विल अपीयर. अगर हमको और भी कॉलम्स की आवश्यकता है, दो से ज़्यादा, तो हमको ये ऑप्शन क्लिक करना होता है. ब्रेक्स, व्हेन वी आर टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट वर्ड ऑटोमेटिकली एड्स अ पेज ब्रेक एट द एंड ऑफ द ईच पेज, डिपेंड ऑन वेयर वी सेट आवर मार्जिन. वी कैन ऑल्सो यूज सेक्शन ब्रेक टू कंट्रोल और फॉर्मेटिंग आवर डॉक्यूमेंट. ये पेज दो तरीके का होता है, ब्रेक, पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक. पेज ब्रेक भी, उसमें भी कैटेगरी है. पेज ब्रेक कंटेन्स द ऑप्शन लाइक पेज, कॉलम एंड टेक्स्ट रैपिंग. पेज ब्रेक में पेज, कॉलम एंड टेक्स्ट रैपिंग, जिससे कि हम, इट मार्क्स द पॉइंट एट विच वन पेज एंड एंड नेक्स्ट पेज बिगेंस. ये उस जगह पर पॉइंट करता है जहाँ से हमको नेक्स्ट पेज को बिगिन करना है, स्टार्ट करना है. लाइन नंबर्स, दिस ऑप्शन हेल्प अस टू रेफरेंस स्पेसिफिक लाइन इन अवर डॉक्यूमेंट क्विकली एंड ईजली यूजिंग लाइन नंबर इन द मार्जिन. इफ़ वी क्लिक ऑन द लाइन नंबर ऑप्शन वी विल सी द ऑप्शन लाइक नन, कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सरप्लस ऑफ करंट पैराग्राफ एंड लाइन नंबरिंग ऑप्शन, सब ऑप्शन. नेक्स्ट है हाइफिनेशन. व्हेन वी सिलेक्ट अ हाइफिनेशन ऑप्शन एमएस वर्ड हाइफिनेट द वर्ड्स इंस्टेड, हाइफिनेटिंग हेल्प इन क्रिएटिंग मोर यूनिफॉर्म स्पेसिंग एंड सेव्स स्पेस इन अवर डॉक्यूमेंट. हमारे डॉक्यूमेंट्स को ये और स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स को लिख सकें. नन, देयर विल बी नो हाइफिनेशन इन द डॉक्यूमेंट. ऑप्शन है नन. अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हम पिछले वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं. ऑटोमेटिक, क्लिक हाइफिनेशन एंड देन ऑटोमेटिक द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल हाइफिनेट ऑटोमेटिकली. पहले हम हाइफिनेशन पे क्लिक करते हैं, देन ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं, फिर क्या होगा, द डॉक्यूमेंट विल टेक्स्ट विल हाइफिनेट. ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये हाइफिनेट हो जाएगा. ये आपके सामने फिगर है, बिफोर ऑटोमेटिक हाइफिनेशन, ये देख रहे हैं आप, एंड आफ्टर ऑटोमेटिक हाइफिनेट. ये दोनों फिगर में अंतर आपको दिख रहा होगा. मैनुअल, इफ वी क्लिक ऑन मैनुअल हाइफिनेशन अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विच वी आस्क अबाउट द ऑप्शन फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू हाइफिनेट योर टेक्स्ट मैटर.
अगर हम मैनुअल हाइफनेशन पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो विल आस्क अबाउट, जो हमसे पूछता है कि हमको हम कहां से अपने पेज को हाइफनेट करना चाहते हैं। इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंडेंट, इंडेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड डिस्टेंस और नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस यूज्ड टू सेपरेट पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द राइट मार्जिन। कैसे हम इसको यूज़ करेंगे? गो टू इंडेंट ऑप्शन एंड फिल द नंबर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। इंडेंट ऑप्शन पर हम जाएंगे और वो नंबर हम फिल करेंगे जो हमको रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी फिल 2 सेंटीमीटर इन लेफ्ट इंडेंट एंड 2 सेंटीमीटर इन राइट इंडेंट, द मैटर विल बी एडजस्टेड दिस लाइक दिस। अगर हमने 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और 2 सेंटीमीटर राइट साइड अगर हमने इंडेंट को सेट किया है तो हमारा मैटर दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेट हो जाएगा। बिफोर फिलिंग द इंडेंट डिजिट्स, ये देखिए ये डिजिट को अभी सेट नहीं किया गया है, उसके पहले का फिगर और ये उसके बाद का फिगर, 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से मार्जिन इसको मिल गया है। स्पेसिंग, दिस ऑप्शन हेल्प अस टू अरेंज द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड डॉक्यूमेंट। इट कंटेन्स टू ऑप्शन, स्पेसिंग बिफोर स्पेसिंग आफ्टर। स्पेसिंग क्या करता है? अरेंज द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बीच में ये स्पेस प्रोवाइड कराने का काम ये ऑप्शन करता है। इसमें दो कैटेगरी है, स्पेसिंग बिफोर एंड स्पेसिंग आफ्टर। स्पेस बिफोर कैसे यूज होगा? गो टू स्पेस बिफोर ऑप्शन, क्लिक द बॉक्स गिवन इन फ्रंट ऑफ द बिफोर ऑप्शन, फिल डिजिट, एग्जांपल 12 PT एंड डॉक्यूमेंट विल अपीयर एज सून। ऐसे हमको हमारा फिगर हो जाएगा, 12 PT अगर हम अरेंज चुनते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट इस तरीके से शो करेगा, दोनों के बीच में ये गैपिंग आ गई। स्पेसिंग आफ्टर, अगर हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, क्लिक ऑन द बॉक्स गिवन इन फ्रंट ऑफ द आफ्टर ऑप्शन, फिल द डिजिट 20 PT, द डॉक्यूमेंट विल अपीयर एज शोन। ये गैपिंग देखिए, यहाँ पर 12 में ये गैपिंग इतनी थोड़ी सी है और 20 में ये गैपिंग ज़्यादा हो गई है। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर चैप्टर 2। इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारा जो वर्ड सॉफ्टवेयर है वो कैसे रन करता है। इसको आप इसकी चैप्टर की फ़ोटो अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, इस चैप्टर को आप पढ़ें, वीडियो को सुनें और इसके आगे के जो 2 पेज हैं उसको भी ध्यान से पढ़ने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको करना है और करने के बाद मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।